division as repeated subtraction. Page number 172. Let us now distribute 8 apples among 4 children using repeated subtraction. From 8 apples, we gave 1 apple to each child. So, 4 apples are left. Then we gave 1 apple to each child second time. 8 apple थे, उसमें से हर एक बच्चे को एक एक एप्पल दिया, तो कितने एप्पल मेरे पास बचेंगे? 4. सेकेंड टाइम मैंने वापिस एक एक एप्पल सबको दिया, अभी मेरे पास कितने एप्पल बचे? 0. इट मीन्स मेरे पास जो टोटल 8 एप्पल थे उसमें से मैंने फर्स्ट टाइम 4 कट किए एंड सेकेंड टाइम भी 4 कट किए. 8 - 4 - 4 = 0. 8 में से मैंने 4 माइनस किए, कितनी बार माइनस किए? 2 टाइम. ओके, 8 - 4 - 4 = 0. रिपीटेड सबट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर फ्रॉम अ गिवन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड डिविजन. 8 / 4 = 2. 8 / 4 = 2. Now, on the page number 172, exercise वो देखते हैं. Write the division fact for repeated subtraction. 10. 10 में से कौन सा number कट किया है? 2. 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 = 0. 10 में से 2 कट करेंगे 8. 8 में से 2 कट करेंगे 6. 6 में से 2 कट करेंगे 4. 4 में से 2 कट करेंगे 2. और 2 में से 2 कट करेंगे 0. इट मीन्स 10 / 2 = 5. 10 में से 2 कितनी बार हमने माइनस किए? 1, 2, 3, 4, 5. 10 / 2 = 5. सेकेंड नंबर 12 - 6 - 6 = 0. 12 - 6 = 6. 6 - 6 = 0. 12 में से हमने 6 कितनी बार माइनस किए, कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया? 2 टाइम. सो 12 / 6 = 2. 18 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0. ओके, 18 में से 3 कट करेंगे 15. 15 में से 3 कट करेंगे 12. 12 में से 3 कट करेंगे 9. 9 में से 3 कट करेंगे 6. 6 में से 3 कट करेंगे तो 3. एंड 3 में से 3 कट करेंगे तो 0. 18 में से हम टोटल 6 टाइम 3 कट करेंगे या 3 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0. इट मीन 18 / 3 = 6. नेक्स्ट नंबर 20 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0. 20 में से 5 जाएंगे 15. 15 में से 5 कट करेंगे तो 10. 10 में से 5 कट करेंगे 5. और 5 में से 5 कट करेंगे तो 0. 20 में से हमने 5 कितनी बार कट किए, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किए? 4 टाइम. सो 20 / 5 = 4. ओके, इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नाउ पेज नंबर 173, डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. ओके, फर्स्ट द एग्जांपल, 18 sweets are to be divided equally among 3 children. हमें 18 sweets को 3 बच्चों में इक्वली बांटना है. इट मीन्स नंबर लाइन पे हम स्टार्ट
18 से करेंगे. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 18. 18 से स्टार्ट करना है. मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते थे, जीरो से स्टार्ट करते थे, बट डिवीजन में हम 18 से स्टार्ट करेंगे. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 18 एंड जंप बैकवर्ड बाय 3 ईच टाइम. 18 पे से बैकवर्ड जंप लगाने हैं. फर्स्ट जंप 15, सेकेंड जंप 12, थर्ड जंप 9, फोर्थ जंप 6, फिफ्थ जंप 3 एंड सिक्स जंप 0. 18 पे से बैकवर्ड जंप लगाकर आपको 0 तक आना है. इट मीन्स नंबर लाइन पे -3 करके बैकवर्ड जंपिंग करना है. टोटल कितने जंप लगाए आपने, 6. कितने जंप लगाए, हाउ मेनी जंप्स, 6. 18 -3 -3 -3 -3 -3 -3 is equal to 0. 18 divided by 3 is equal to 6. 6 jump लगाए. Now, second example. Divided 15 dolls equally among 5 girls. ओके, गर्ल्स को हमको 15 डॉल्स है वो इक्वली 5 लड़कियों में डिवाइड करनी है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 15 एंड जंप बैकवर्ड बाय 5 ईच टाइम. 5 के जंप लगाने हैं, हर एक गर्ल को 5 डॉल्स देनी है. ओके, 15 से फर्स्ट जंप लगाएंगे -5, 10, 10 से -5, 5 से -5, 0. टोटल 15 से जंप लगाए, कितने जंप लगाए हमने, 3. ओके, कितने बैकवर्ड जंप लगाए, 3. 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट, डिवाइड 20 बिस्किट्स इक्वली अमंग 4 डॉग्स. 4 डॉग्स है और 20 बिस्किट्स है, हर एक को चार डॉग को इक्वली शेयरिंग करना है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 20 एंड जंप बैकवर्ड बाय 4. ओके, फ्रॉम 20 फर्स्ट जंप 16, सेकेंड जंप 12, थर्ड जंप 8, फोर्थ जंप 4 एंड फिफ्थ जंप 0. हमने जंप बैकवर्ड जंप किए हैं, कौन से नंबर से किए, 20 से. कितने जंप लगाए तभी हम 0 पे पहुंचे, 5 जंप, 5 बैकवर्ड जंप. सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5. इस पेज पे एक लास्ट नंबर लाइन है, वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करके बुक में करनी है. ऑन पेज नंबर 174, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. ओके, मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में आपको बोला था 1 to 10 टेबल सिखाकर कि ये टेबल्स लर्न करने हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में, डिवीजन के चैप्टर में एंड फॉर द बाकी के आगे के सब क्लास में आपको टेबल्स लर्न होंगे तो ही सम आएंगे. टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे डिवीजन वाले चैप्टर में, डिवीजन करने के लिए भी टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डैश. लेट अस रिकॉल द टेबल ऑफ 2. 2 का टेबल याद करते हैं. 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8. 8 को डिवाइड करना है तो जब तक 8 आए तब तक हमको टेबल याद करना पड़ेगा. 8 divided by 2 इज इक्वल टू 4. 8 divided by 2 is equal to 4. हमारा आंसर
फोर है। जो आपको टेबल आते हैं लर्न, तो ये सम करना इजी है। फोर डिवाइडेड बाय टू, लेट अस रिकॉल द टेबल ऑफ टू। वन टू जा टू, टू टू जा फोर। टेबल कहाँ तक बोलना है? जब तक ये नंबर आए तब तक। वन टू जा टू, टू टू जा फोर। फोर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू। सेकेंड नंबर, फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थ्री। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थ्री, लेट्स रिकॉल द टेबल ऑफ थ्री अप टू फिफ्टीन। वन थ्री जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। थर्ड नंबर, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डैश। लेट्स रिकॉल द टेबल ऑफ 2 अप टू 16। 16 आए तब तक टेबल बोलना है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 za 8, 5 2 za 10, 6 2 za 12, 7 2 za 14, 8 2 za 16. It means 16 divided by 2 is equal to 8. Next one, 16 divided by 4. Let us recall the table of 4 up to 16. 4 का table बोलना है, कहाँ तक बोलना है? 16 आए तब तक। 1 4 is 4, 2 4 is 8, 3 4 is 12, 4 4 is 16. 4 4 is 16. It means 16 divided by 4 equal to is equal to 20 divided by 5. Let's recall the table of 5 up to 20. 5 का table बोलना है। 1 5 is a 5, 2 5 is a 10, 3 5 is a 15, 4 5 is a 20, 4 5 is a 20. So 20 divided by 5 is equal to 4. 28 divided by 7. Let's recall the table of 7 up to 28. 7 ka table bolna hai, 28 number aaye, 28 aaye, product 28 aaye tab tak. 1 7 is 7, 2 7 is 14, 3 7 is 21, 4 7 is 28, 4 7 is 28. So 28 divided by 7 is equal to 4. 24 divided by 4. कौन सा टेबल बोलेंगे? 4 का। कहाँ तक बोलेंगे? जब तक 24 आएगा तब तक, प्रोडक्ट 24 मिले तब तक। 1 4 is 4, 2 4 is 8, 3 4 is 12, 4 4 is 16, 5 4 is 20, 6 4 is 24, 6 4 is 24. So 24 divided by 4 is equal to 6. 21 divided by 3 is equal to dash. Let's recall the table of 3 up to 21. 3 ka table bolenge. 1 3 is 3, 2 3 is 6, 3 3 is 9, 4 3 is 12,
5 threes are 15, 6 threes are 18, 7 threes are 21, 7 threes are 21, 21 divided by 3 is equal to 7. Next number, 30 divided by 5. 30 divided by 5. Let's recall the table of 5 up to 30. 5 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 30 आए तब तक बोलेंगे. 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30. 30 divided by 5 is equal to 6. पेज नंबर 174 पे ऐसे दूसरे सम्स है जो आपको टेबल का यूज करके अपने आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं. ऑन पेज नंबर 175 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पैट. ओके, इन दिस पिक्चर 12 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली इन 3 ग्रुप्स. 12 एप्पल्स को हमको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. इट मीन्स जो नहीं आए तो हम अभी सीखे 3 का टेबल बोलेंगे. ओके, लेट्स रिकॉल द टेबल ऑफ 3 अप टू 12. 3 4 जा 12. इट मीन्स हर एक को कितने कितने एप्पल मिलेंगे? 4 एप्पल, 4 एंड 4, 4 4 और 4, 3 ग्रुप्स बनेंगे. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. ओके, ये है डिवीजन फैक्ट कि हमने 12 एप्पल को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया तो हर एक ग्रुप में 4 एप्पल है. 12 एप्पल्स को 3 ग्रुप में, 3 इक्वल ग्रुप, हमने इक्वल शेयरिंग सीखा कि इक्वल ग्रुप होना चाहिए तो हर एक ग्रुप में 4-4 एप्पल है. बट हर एक डिवीजन फैक्ट में 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12. ये ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी 12. 3 4 जा 12, 4 3 जा 12. ओके, इट्स अ डिवीजन फैक्ट एंड इट्स अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कि हम डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई, दोनों को जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर मिलता है. ओके, नीचे उसके नीचे पेज नंबर 175 पे पिक्चर्स है बेटा. फर्स्ट पिक्चर किसका है? बनाना. बनानास कितने टोटल बनानास है? 8. हर ग्रुप में कितने बनाना है? अलग डिफरेंट ग्रुप दिए हुए हैं. हर ग्रुप में टू बनानास. 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. आप देखो, 8 बनाना हर एक ग्रुप में जो दो ही बनाना रखेंगे तो कितने ग्रुप बन रहे हैं? टोटल 4 ग्रुप्स. ओके, ये हुआ डिवीजन फैक्ट. मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा? 2 4 8. सेकेंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, 4 2 8. पर मल्टीप्लीकेशन में हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर सेम मिलता है. 2 4 8 4 2 8. बट जो डिवीजन में हम 2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर सेम नहीं मिलता है. 8 डिवाइडेड बाय 2 4. बट 2 डिवाइडेड बाय, इसमें ऑर्डर चेंज हम करके आंसर सेम नहीं मिलेगा. हम ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, सेकेंड पिक्चर किसका है बेटा? ऑरेंजेस. कितने टोटल ऑरेंजेस है काउंट करो? 9.
और हर एक ग्रुप में कितने ऑरेंज रखने हैं हमको, कितने ऑरेंजेस रखने हैं? 3. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3. कितने ग्रुप बने? 3 के 3 ग्रुप्स. ओके, ये हमने क्या लिखा? डिवीजन फैक्ट. ना मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. 3 3 3 3 3 9. आपको उसके बाद वाले जो सब पिक्चर्स है उसको काउंट करके हर एक के लिए डिवीजन फैक्ट और हर एक के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखने हैं.